For more news and updates, visit our website realitymedia.in. And for more videos, subscribe our YouTube channel Reality Media. रेरा का रजिस्ट्रेशन नहीं तो होम लोन भी नहीं मिलेगा। आरबीआई ने देश के सभी बैंकों को आदेश जारी कर साफ कर दिया है कि 1 अगस्त से बिना रेरा के रजिस्ट्रेशन वाले बिल्डरों के प्रोजेक्ट पर किसी को होम लोन जारी नहीं किया जाएगा। हालांकि रीसेल वाली प्रॉपर्टी पर होम लोन मिलता रहेगा, जो सामान्य प्रॉपर्टी की खरीदारी के दायरे में होगा। डीडी आवासीय योजना की अंतिम तारीख 1 माह बढ़ी। डीडी आवासीय योजना में आवेदन करने की अंतिम तारीख 11 अगस्त से बढ़ाकर 11 सितंबर कर दी गई है। फ्लैट लौटाने पर आवेदन राशि जब्त करने की शर्त में भी डीडीए ने राहत दी है। अलॉटमेंट लेटर मिलने के 15 दिन के भीतर यदि कोई फ्लैट वापस करता है तो उसकी आवेदन राशि पूरी लौटा दी जाएगी। अवैध कॉलोनियों को रोकने के लिए कोई कानून नहीं। रेरा में अवैध कॉलोनियों को रोकने और उनकी रजिस्ट्री पर रोक लगाने संबंधी कोई नियम नहीं है, यानी अवैध कॉलोनियां धड़ल्ले से बच सकती हैं और सरकार की कोई एजेंसी उन पर नकेल कसने के लिए तैयार नहीं है। अकेले शहर में ही 100 से अधिक अवैध कॉलोनियां विकसित हो रही हैं, जिसमें बिना किसी सुविधा के लोगों को धड़ल्ले से प्लाट बेचे जा रहे हैं। रजिस्ट्री रोकने का नहीं मिला आदेश। विदिशा जिले में रजिस्ट्रार कार्यालय में ऐसा कोई भी आदेश नहीं आया है जिसमें अवैध कॉलोनियां या बिना रेरा के प्लांटों और मकानों की रजिस्ट्रियां नहीं की जाएंगी। जिला पंजीयक पवन कुमार ने बताया कि रजिस्ट्री रोकने का कोई आदेश नहीं आया है। जब तक विभाग निर्देशित नहीं करता, जब तक रजिस्ट्रियां होती रहेंगी। बैंकों ने किया आम्रपाली की 11 संपत्तियों पर कब्जा। बैंकों ने आम्रपाली समूह की गुरुग्राम के मानेसर में 11 संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है। कॉरपोरेशन बैंक का करीब 70 करोड़ रुपए का कर्ज कंपनी ने नहीं चुकाया। बैंक ने इन संपत्तियों को नीलाम करने की घोषणा कर दी है। नोएडा सेक्टर 62 के आम्रपाली के कार्यालय के साथ इन संपत्तियों को भी कॉरपोरेशन बैंक 18 अगस्त को नीलाम करेगा। यह नीलामी ऑनलाइन की जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। We'll be right back.